ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 6 का, क्लास 6 का ही चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। वो इंग्लिश में था लेकिन उसका लेक्चर हिंदी में था डिस्क्रिप्शन, लेकिन अब मैं हिंदी में ही पूरा कर रहा हूँ, समझने में आसानी होती है। तो क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है ना, ये चैप्टर है। देखिए इसमें दो दो चीज का जिक्र है, एक किताब का एक कब्र का, ब्यूरियल का और बुक्स का। तो इसी में जो है पूरा चैप्टर समेटा जाएगा। पहला जो है किताब, उसका जिक्र है वेद। वेद शब्द जो है वीद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। इसमें जो है वेद में जो है 1028 सूक्त है, और ये जो है अग्नि इंद्र और सोम तीन मुख्य रूप से जो देवता हैं उनको समर्पित है। ये प्राक संस्कृत में है। अभी जो हम लोग संस्कृत जो देखते हैं, इस संस्कृत से वैदिक संस्कृत में थोड़ा सा अंतर है। दोनों एक तरह के संस्कृत हैं लेकिन दोनों की शैली में थोड़ी सी अंतर है। जैसे कि आप देखिएगा हिंदी में ही देखिएगा तो बहुत सारे देशज शब्द कहीं कहीं पे ज्यादा यूज होते हैं, प्रयोग में आते हैं। कहीं कहीं पे ज्यादा देशज शब्द प्रयोग में नहीं आते। कहीं कहीं पे उर्दू ज्यादा आ जाता है हिंदी के अंदर में। जैसे यूपी में अगर दिल्ली वाले एरिया में जाइएगा तो, वहीं लखनऊ वाले एरिया में जाइएगा तो वहीं हिंदी आ जाता है। अगर आप बिहार में आइएगा तो, या फिर मागधी के भी शब्द हैं बहुत सारे। तो ये जो है प्राक संस्कृत है। ऋग्वेद का जो है पहले कोई किताब लिखा नहीं गया था, एक्चुअली ये श्रुति था। श्रुति मतलब सुन सुन के याद करना, पुराने टाइम से सुन सुन के याद करना, फिर अगले जनरेशन को भी सुना सुना के याद कराना। ये ऋग्वेद का जो है लेखनी तो है, लेखनी जो है वो पांडुलिपि वगैरह पे हुआ बाद में, लेकिन मूल रूप से जो ऋग्वेद है वो श्रुति ही था। इसका उच्चारण करना, इसको सुनना, तो ये बुक के रूप में नहीं था, बाद में बुक के रूप में ये परिवर्तित हुआ। अब यहां पर भाषा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चूंकि ऋग्वेद है या कोई भी किताब है तो उसका भाषा होता है। तो जैसे ऋग्वेद का है प्राक संस्कृत भाषा, तो ये जो है यूरोपीय यूनानी भाषा समूह जो है उससे निकला हुआ है। इसमें जो है मान लीजिए कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मातृ संस्कृत में है, मदर है इंग्लिश में, फादर है इंग्लिश में, पित्री है। तो जो उच्चारण हो रहा है या फिर जो शब्द हैं वो थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी रखते हैं, इसीलिए इसको इंडियन यूरोपियन भाषा में रखा जाता है। भारतीय यूरोपियन भाषा भी इसको बोलते हैं। तो ये है, इस समूह के सदस्य कौन कौन से हैं इंडो यूरोपियन भाषा के, असमी हैं, गुजराती हैं, हिंदी हैं, और यहाँ के अवधी वगैरह जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उत्तर भारत में मूल रूप से, वो सारी भाषाएं हरियाणवी हैं, राजस्थानी हैं। ये मूल रूप से जो संस्कृताइज भाषा है, इवन मराठी भी, तो ये इंडियन यूरोपियन भाषा से जुड़े हुए हैं। और पूर्वोत्तर में जो भाषाएं बोली जाती हैं, असम में या फिर असम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, ये सब जो भाषा है ये पूर्वोत्तर तिब्बती बर्मा से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो त्रिपुरा है वहां पर तो बहुत ज्यादा वो बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है। तो लेकिन पूर्वोत्तर के ज्यादातर भागों में, अरुणाचल में, मणिपुर में, मेघालय में, मेघालय में, नागालैंड में, ये सब में जो भाषा बोला जाता है वो पूर्वोत्तर तिब्बती समूह का जो भाषा है, तिब्बती बर्मा का भाषा समूह। साउथ में जो भाषा बोला जाता है दक्षिण भारत में, वो द्रविड़ समूह का जो है भाषा है। इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो उसके जो ऋचा और जो सूक्ति हैं उसको देखते हैं और फिर उसी आधार पे उसका जो है अध्ययन करते हैं। जैसे किताब में दिया हुआ है जो कि विश्वामित्र और नदी आपस में संवाद कर रहे हैं। विश्वामित्र जो है, जो भी नदी है सतलज और ब्यास, उससे निवेदन कर रहे हैं और वहां से उनको जवाब दे रहा है। इस संवाद की पृष्ठभूमि में पूरा जो है लिखा गया है ऋग्वेद का प्रारंभिक जो है ऋचा और सूक्ति। अब इसमें क्या है कि मवेशी, घोड़ा और रथ वगैरह का जिक्र है। ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
और ये तीनों के लिए जो है उस समय लड़ाई होता था। तो ये तीनों को, जब मवेशी और घोड़ा को क्या जरूरी है, चारागाह का जरूरी पड़ेगा, तो चारागाह के लिए भी लड़ाई होगा, जाहिर सी बात है। गौ के लिए लड़ाई होता था, गाय के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में जिसके पास में ज्यादा गाय होता था, जिसके पास में ज्यादा जानवर होता था, वो ज्यादा शक्तिशाली होता था। कबीलाई समूह था और ग्रामीण संस्कृति थी। हड़प्पा क्या था, शहरी संस्कृति, लेकिन वैदिक संस्कृति था वो ग्रामीण संस्कृति था। तो ये है, घी अनाज और जानवर का जो है आहुति दिया जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता था, बलि दिया जाता था कह सकते हैं। तो ये है। और ये इसमें जब युद्ध होता था तो वहां पर जो है युद्ध के बाद में जो मुख्य, जो मोटा संपत्ति जो हासिल होता था युद्ध जीतने वाले को, वो रख लेते थे जो सरदार थे, और उसमें से कुछ जो है प्रॉपर्टी और लीडर्स को दिया जाता था, बीच के नेताओं को, और ज्यादातर जो है संपत्ति बांट दिया जाता था आम जनता में। तो यहाँ ये है, लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द हैं बहुत सारे ऋग्वेद में या वैदिक संस्कृति में। पुरोहित जो पूजा पाठ कराता था, जो आचार्य कुल परंपरा से जुड़ा हुआ था वो पुरोहित था। राजा जो एक लीडर होता था, सरदार होता था, उसको राजा बोलते थे। और वो राजा आज के राजाओं जैसा नहीं था, महल में नहीं रहता था, उसके पास में घोड़े हाथी सैनिक नहीं होते थे। उस टाइम का एक सरदार था, राजा था, जो छोटा सा राजा होता था, अपना कबीला का राजा होता था। जन या विष, देखिए विष और जन का मतलब एक ही है। आम लोगों के लिए ये शब्द यूज हुआ है, विष का मतलब है वैश्य, जन का मतलब है जन समुदाय। तो विष और जन एक ही है, आम लोगों के लिए यूज हुआ है। आर्य और दस्यु, आर्य उसको बोलते थे जो ज्यादातर ऋग वैदिक परंपरा को मानते थे, और दस्यु उनको बोलते थे जो वैदिक परंपराओं को नहीं मानते थे। तो दोनों के बीच में होता था लड़ाई, और जो है जो जीतते थे उनका जो है प्रभुत्व स्थापित होता था। तो यह है दस्यु, और दस्यु को माना जाता था कि ये इंडियन यूरोपियन भाषा नहीं बोलते थे, मतलब संस्कृत भाषा ये नहीं बोलते थे। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहरी मतलब ऐसा प्रहरी जो खामोश हो। भाई महापाषाण का मतलब होता है, महा का मतलब बहुत बड़ा, पाषाण का मतलब चट्टान, बड़ा सा चट्टान, तो वो तो खामोश ही है, इसलिए खामोश प्रहरी बोला गया है। प्रहरी जो रक्षा करता हो, बताता हो। कब्रों पर 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था ये महापाषाण जो है, मेगालिथ इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मेगालिथ वहां पे होता था। जैसे मान लीजिए कि ये कब्र है, ठीक है, तो ये कब्र के ऊपर में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, या फिर एक मान लीजिए कि ये कब्र है, ठीक है, तो ये कब्र के चारों तरफ छोटा 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 पत्थर रखा जाता था। ये दोनों तरीके से जो है होता था, कब्र के ऊपर में बहुत बड़ा पत्थर भी रख के, और कब्र के चारों तरफ पत्थर सजा के भी रखा जाता था। तो इसको मेगालिथ बोलते हैं, झारखंड में भी मिला है और बहुत सारे जगह पे मिला है, जिसमें कि महाराष्ट्र में ज्यादातर, कर्नाटका में और भारत के अलग अलग जगहों पर ये पत्थर जो है शव जो जहां दफनाता है दफनाते थे वहां के ऊपर रखा जाता था। तो इसे बहुत जानकारी मिलता है। अब शवों के साथ जो है मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, लोहे के औजार रखे जाते थे, क्योंकि लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हो गया। एटा का जो अतरंजी खेड़ा है यूपी का, वहां से पहला बार लोहे का जिक्र मिलता है। हालांकि अभी नया अनुसंधान हुआ है, उसमें यूपी के सोनभद्र जिले में भी 1500 ईसा पूर्व में जो है लोहा मिला है, लेकिन एटा का जो अतरंजी खेड़ा है वहां 1000 वर्ष पहले लगभग लोहा का प्रमाण मिलता है। तो लोहे का औजार को भी दफन किया जाता था, हथियार या फिर कंकाल वगैरह भी वहां से मिले हैं जो दफन किए जाते थे साथ में, शव के साथ में। अब सवाल एक पूछा गया है एनसीईआरटी में कि वहीं पे, कि हड़प्पा में क्या लोहा से लोग अवगत थे? तो भाई हड़प्पा जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास में माना जाता है, जो मतलब एक प्रमाणिक है कि उस समय के बीच में रहा होगा। ज्यादातर प्रमाणिक नहीं, ज्यादातर मान्य जो है
तथ्य है। तो ये जो है हड़प्पा के, हड़प्पा में जो है लोहा का तो यूज नहीं होता था, कांसा का होता था, तांबा का होता था, लोहा का यूज नहीं होता था। अब लोगों की जो है सामाजिक असमानता कैसे पता चलता है, तो देखिए ब्रह्मगिरी एक जगह है, पहाड़ी है, गिरी मतलब पहाड़ी होता है, पहाड़ी है भी वो, और ये महाराष्ट्र में है, यहां से गोदावरी नदी भी मिलता निकलती है, वहीं पे है त्र्यंबकेश्वर, सह्याद्री रेंज में है, ब्रह्मगिरी में ही। अब यहां पर जो है एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके साथ में 33 सोना का मनका और साथ में शंख है, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा चीज मिल रहा है, मतलब मूल्यवान चीज, तो वो जरूर कोई सरदार वरदार रहा होगा, राजा वाजा रहा होगा, जो धनी रहा होगा, उसके साथ ही तो इतने सारे चीज दफनाए जाएंगे, इतना महंगा चीज दफनाया जाएगा, तो इसे पता चलता है। और कोई मान लीजिए कि दफन है वहां पे, उसके साथ में बहुत छोटा छोटा सा चीज दफन है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है गरीब है, जैसे किसी के साथ में बहुमूल्य चीज है, किसी के साथ में सिर्फ घड़ा है, तो किसी के साथ में लोहे का बढ़िया बढ़िया हथियार भी है, तो उसे पता चलेगा कि ये जो है क्षत्रिय कुल से है, किसी के साथ में दो चार घड़ा है तो पता चलेगा बेचारा गरीब होगा। तो इस तरीके से लोगों की सामाजिक असमानता का ये यहां से निकाला जाता है, ये प्रतीक भी था। कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए, देखिए कब्र जैसे दफना दिया गया है यहां पे, तो क्या किया जाता था यहां पे, जैसे है तो यहां से एक पोर्ट होल छोड़ा जाता था, ऐसा जगह थोड़ा सा छोड़ दिया जाता था, जहां पे अगर उसी परिवार के बाद में सदस्य डेथ करे तो उसको अंदर में डाला जा सके, तो वो जगह भी छोड़ा जाता था, इसे पता चलता है। और एक ही जगह पे तीन तीन चार चार लाश मिला है, तो इसे पता चलता है कि कुछ कब्रगाह जो था वो खास परिवार से संबंधित था, खास लोगों के लिए था। यहां पर एक वस्ती आता है, हालांकि ये चालकोलिथिक एज में भी आता है, ताम्रपाषाण युग में भी आता है, 3500 ईसा पूर्व के आसपास वाले में भी आता है, लेकिन मेगालिथिक एज में एक आता है इनाम गांव, महाराष्ट्र में है ये, अब बहुत महत्वपूर्ण साइट है। एक विशिष्ट जो है वहां पर व्यक्ति का कब्र मिला है, ठीक है ना। अब इनाम गांव कहाँ है, तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पे है, 3600 से 2700 पुराना है, मतलब लगभग 1600 से 1700 ईसा पूर्व का ये साइट है। यहां पर एक व्यक्ति का शव मिला है, एक विशिष्ट व्यक्ति है, कोई अच्छा आदमी होगा, राजा वाजा होगा, सरदार होगा, जिसका कि उत्तर और दक्षिण के तरफ हाथ और पैर, सॉरी हाथ पैर, सर और पैर की अवस्था है, उत्तर के तरफ सर है, दक्षिण के तरफ पैर है, और लिटा कर दफनाया गया है, और साथ में जो है वहां पर कुछ अन्न वगैरह भी मिला है, दाना पानी भी का अवशेष मिला है, जिसे पता चलता है कि खाना और पानी भी उसके साथ में रखा गया था। तो ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जो है, पहले भी हम लोग देखे थे, इससे पहले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कि मृत्यु के बाद भी जो है कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास था, मान्यता था कि जीवन जो है मृत्यु के बाद भी है, तो इसलिए ऐसा दफनाया जाता था। एक यहां पर 5 कमरों का जो है घर मिला है, और उसके आंगन में जो है एक शव मिला है, और शव को बजाबते 4 पहिए का एक पलंग पे, पलंग नुमा ही है, तो उसपे जो है रखकर और दफनाया गया था, ठीक है, एक संदूक है, पलंग नुमा संदूक, और उस पर रख के दफनाया गया था। तो इसे भी पता चलता है कि 5 कमरे का घर है, तो घर तो बड़ा होगा, प्लस में संदूक में रख के बजाबते 4 पैर वाला संदूक में, तो कोई विशिष्ट व्यक्ति का ही तो होगा, तो वो दफनाया गया था यहां पर, इसलिए ये जो साइट है इनाम गांव का महत्वपूर्ण हो जाता है। काम धंधे क्या थे, तो लोग ज्यादातर जानवर खेती वगैरह से ही जुड़े हुए थे, ये जानवर का पालन करना, खेती करना, यही सबसे जुड़े हुए थे, गेहूं जौ चावल बाजरा वगैरह का खेती होता था, बैल भैंस बकरी वगैरह भी लोग जो है पशुपालन में प्रयोग करते थे, पशुपालन करते थे इन जानवरों का, आंवला जामुन खजूर ये सब जो है, और भी जो वनस्पति है वो वहां पर देखने के लिए मिलता है, उनकी वहां पर भूमिका नजर आती है। तो ये था पूरा चैप्टर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो किताब में हम लोग वैदिक
किताब का जिक्र किए, और कब्र में हम लोग इनाम गांव का कब्र का, ब्रह्मगिरी का कब्र का जिक्र किए इसमें, और फिर मेगालिथ देखें कि मेगालिथ क्या होता है। और ये चैप्टर जो है कक्षा 6 का चौथा चैप्टर इस तरीके से ये समाप्त होता है। धन्यवाद।